हेलो गाइस, थिंक एंड डिजाइन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ फोटोशॉप का क्लास लेकर, जिसमें सीखेंगे हम लोग सिलेक्शन टूल्स और लैसो टूल्स के बारे में। आज का क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगे। तो चलिए देरी ना करके शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग ने मार्केट टूल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल। आज हम लोग और भी कुछ सिलेक्शन से जो जानेंगे, जैसे कि लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, ये कुछ सिलेक्शन है जो मैं ये भी बता देती हूँ। जो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल है, ये एक शेप में आपको टूल सिलेक्शन करके देता है। मीन्स रेक्टेंगुलर शेप या रेक्टेंगल शेप में देता है। एलिप्टिकल आपका सर्कल शेप में देता है। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। लेकिन इस टूल्स के हेल्प से, लासो टूल, पॉलीगन लासो, मैग्नेटिक लासो टूल से, आप कोई भी सिलेक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके तरीके से। आप उसको कॉपी पेस्ट, कॉपी कट भी कर सकते हो। एक 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 जगह से दूसरी जगह भी, दूसरे फाइल में भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। आज मैं पहला जो है लासो टूल, मैं लासो टूल में बताती हूँ। ये फ्री हैंड ड्राइंग है, जब सिंपल तरीके से आप इसको स्केचिंग सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये फ्री हैंड है, कुछ इसमें कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अब फ्री हैंड है, ठीक है। आप ऊपर में देखिए, जैसे कि मार्केट टूल में हम लोग ने जो प्रॉपर्टी पैनल में था, सेम आपको यहाँ पर भी वही दिखेगा। न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरफेस सिलेक्शन एंड फेदर। फेदर के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। तो यहाँ पर भी सेम आपको मिलेगा, ये आपका ऐड टू सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन को ऐड करना है कुछ, तो आप इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो आप इस तरह से सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक। अगर आपको इंटरसेक्ट करना हो तो आप इस तरह से आप इंटरसेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल है, ये स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट करके देता है आपको। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका जैसे पेन टूल में होता है वैसे ही है। लेकिन पेन टूल से मतलब पेन टूल से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। कि जस्ट ये सिलेक्शन आपको देता है स्ट्रेट लाइन करके। आप जैसे आप स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, ट्रायंगल हुआ, आप इस तरह का शेप में आपको ये इजीली सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाती हूँ, ये मैंने एक बिल्डिंग लिया है, ये स्ट्रेट लाइन है। जस्ट मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करूँगी, सिंपल तरीके से सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। और ये आपका सिलेक्ट हो गया। मैं देन राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी करूँगी, ठीक है। मैंने लेयर वाया कॉपी कर लिया। इससे क्या होगा, आपका एक न्यू लेयर में ये कॉपी करके आप सिलेक्ट करके दे दिया। देखिए बैक से मतलब ट्रांसपेरेंट में आपको ये चीज़ दे दी। अगर आप इसमें चाहो आप कलर फिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको ये कलर आपको पसंद नहीं था, ये इसका बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं था, तो आप इसमें आप बैकग्राउंड इसमें ला आप चेंज कर सकते हैं। मैं एक लेयर लेती हूँ, ठीक है। इस लेयर को मैं मिडिल में रखूँगी, ठीक है, ताकि ये आपका ऊपर में रहे। ये आपका जो लेयर है ऊपर है, ये नीचे में रहे, ठीक है। मैं कोई भी कलर फिल करूँगी इसमें, जैसे कि स्काई कलर ही लेती हूँ, कोई भी स्काई कलर। देन मैं यस, आपका बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊंगी मैग्नेटिक लैसो टूल के बारे में, ठीक है, जो कि पॉलीगोनल लैसो टूल के नीचे में है। मैग्नेटिक लैसो टूल, मैंने एक इमेज लिया हुआ है, ये मैंगो का इमेज लिया हुआ है। इसको मैग्नेटिक लैसो टूल से हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? मैग्नेटिक लैसो टूल बहुत ईजी है, कुछ नहीं। अब जस्ट यहाँ पर एक बार क्लिक करो एंड धीरे धीरे अपना माउस को मूव करते रहो, ठीक है, धीरे धीरे। ये जितना ये ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन करता रहेगा। अगर कहीं भी गड़बड़ हो तो वहाँ पे आप कमेंट प्लस डिलीट करके आप बैक स्टेप में आ सकते हो। कुछ नहीं, इजी तरीके से ये आपका सिलेक्शन बनाकर दे देगा। देखिए इजी तरीके से, मैं ज़्यादातर मैग्नेटिक टूल ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये सिलेक्शन करके बहुत जल्दी भी देता है और अच्छे से देता है। इसलिए मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ। देखिए ये सिलेक्शन आपका बनाकर निकाल दे दिया, ठीक है। देखिए बैकग्राउंड लॉक था बोल के दिक्कत हो रहा था, ठीक है, कोई नहीं, ये आपका एक बनाकर दे दिया, ठीक है। उसी तरह से मैं
इस लीफ को कैसे सिलेक्ट कर सकती करूँगी मैग्नेट टूल से। ये देखिए कुछ नहीं, यहाँ से आप स्टार्ट करो एंड जस्ट माउस को धीरे धीरे ले जाते रहो। बस आपको प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही है। जब आपका एक बार हाथ में मतलब स्मूथनेस आ जाए तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने लैपटॉप के माउस से भी कर सकते हो और अलग से अगर माउस आप यूज़ करते हो तो उससे भी कर सकते हो। बहुत लोग का लैपटॉप के माउस से मतलब दिक्कत होता है तो करने में, तो मैं उसको उन लोग को बोलूँगी आप लोग अलग से माउस ले लो, लैपटॉप में कनेक्ट करके आप कर सकते हो। देखिए ये आपका सिलेक्ट करके दे दिया। उसी तरह से आप ये वाला पोर्शन भी कर देखिए, इजी है। आप अगर कॉम्प्लिकेटेड पिक लेना चाहते हो आप वो भी लेकर आप सिलेक्ट कर सकते हो, बस ध्यान से। लेकिन ठीक है, जब भी कॉम्प्लिकेटेड पिक हो तो आप अपना जूम करके इजी तरीके से आप करते रहो। ठीक है, ये देखिए ये आपका सिलेक्ट होके दे दिया। ठीक है, ये है मैग्नेट टूल, बहुत इजी है। और अब मैं कुछ और भी चीज़ बताऊंगी। ठीक है, चलिए मैं हम वहाँ पे आते हैं। चलिए इस सिलेक्शन से और भी हम लोग क्या कर सकते हैं वो चीज़ मैं बताती हूँ। ठीक है, मैंने देखिए एक मैंने जेपेक पे मतलब अपना खुद से क्रिएट किया है। ये मैंने जस्ट एक सिंपल बैकग्राउंड लिया लीव का एंड एक फ्रेम लिया, दोनों मैंने गूगल से डाउनलोड किया था, जो कि मैंने उसको अपने स्टाइल से इसको बना के मैंने जेपेक में सेव किया है। ठीक है, ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि फ्रेम अलग था लीव अलग था। ठीक है, मैंने फ्रेम को इस तरह से एडजस्ट किया है जैसे लीव आपका उभर के ऊपर की तरफ आए। ठीक है, ऐसा लगे कि आपका फ्रेम लीव के अंदर की तरफ हो। ठीक है, वो चीज़ कैसे करते हैं वो चीज़ मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग को अच्छा भी लगेगा करने में। ठीक है, देखिए मैंने लिया है ये एक लीव लिया हुआ है जो कि बैग देख अलग अलग है, ये फ्रेम अलग है एंड लीफ पीछे का अलग है। ठीक है, अब मैं इस फ्रेम को कैसे अंदर ग्रैप करूँगी, कुछ नहीं सिंपल सा मैग्नेटिक टूल है। अब मैग्नेटिक टूल से मैं कैसे करती हूँ आप वो सबसे आपसे वो देखिए। ठीक है, मैं पहले फ्रेम का ओपेसिटी कम कर देती हूँ ताकि सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड देन लेयर जिस बैकग्राउंड पे आप काम करें उस पे सिलेक्ट करना होगा आपको, अदरवाइज वो आपका काम बढ़ भी सकता है, मीन्स फिर से आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिए जब भी जो भी काम करो आप उस लेयर पे काम करो आपका वो लेयर सिलेक्ट रहे। ठीक है, चलिए मैं पहले ये वाला लीफ पे काम करती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ सिलेक्शन मैग्नेटिक टूल से। ठीक है, सिंपली मैग्नेटिक टूल आप क्लिक करो। ठीक है, एंड माउस को धीरे 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 आप मूव करते रहो। ठीक है, आप लोगों जब ही स्टार्टिंग है तो थोड़ा बहुत आपको इसमें दिक्कत होगा क्योंकि जब तक आप लोगों का हाथ नहीं बैठेगा तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जस्ट सिंपली सिंपल तरीके से करते रहो, कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप लोग का हाथ बैठता जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो कमेंट डिलीट पे प्रेस करिए ताकि आप बैक स्टेप पे चले जाओ। ठीक है, फिर से देखिए गड़बड़ हो रहा है, ये होगा। ठीक है, नॉर्मल सा बात ही होता है, होगा, बस आप सिंपली तरीके से आप करते रहो, जहाँ भी गड़बड़ हो आप कमेंट प्लस डिलीट। और अगर कंट्रोल आप मैक ये विंडो यूज़र है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, मैं मैकबुक यूज़ कर रही हूँ इसलिए कमेंट प्लस डिलीट में कर रही हूँ। ठीक है, ये पूरा पोर्शन में गड़बड़ हो रहा है, बार 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 सिलेक्शन अलग हो जा रहा है, कोई नहीं, ये होगा, नॉर्मल बात है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ भी आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक, इसलिए। ठीक है, ये देखिए ये मैंने कर दिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन कर देती हूँ।
देखिए हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एडिट में जाऊँगी, देन एडिट में आप ऑप्शन देखेंगे कॉपी का, कॉपी कर दीजिए बस। कॉपी करने के बाद आप बोलोगे अब पेस्ट करना होगा। हाँ पेस्ट करना होगा, देखिए इस पेस्ट पे नहीं, पेस्ट स्पेशल पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन खुला, पेस्ट स्पेशल पे, पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन टू एंड पेस्ट आउटसाइड। मुझे अभी क्या करना है, पेस्ट इन प्लेस करना है। मैंने जैसे ही क्लिक करूँगी ये एक लेयर कॉपी होकर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस लेयर को जो फ्रेम है ये मैं मिडिल में रखूँगी और जो मैंने कॉपी किया है उसको मैं ऊपर करूँगी, ठीक है। और मैं इसका ओपेसिटी अब मैं बढ़ा देती हूँ, देखिए हो गया ना सिंपल तरीके। इसी तरह से बाकी लीफ को भी आप कर सकते हो अपने तरीके से, बहुत ही ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ बैठेगा एंड आप कर ईजिली कर पाओगे, ठीक है। मैं एक और दिखाऊँ, ठीक है, मैं एक और दिखाती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ठीक से। मैं अब ये वाला लीफ सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ स्टार्ट करती हूँ, बाकी आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो, मैंने जैसे पहले ही बोला हुआ है, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप चाहो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, मैं बैक स्पेस पे जाती हूँ। मैग्नेटिक टूल थोड़ा सही है कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से आप करिए। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, हो गया। देन मैं फिर से वही चीज़ करूँगी, एडिट कॉपी देन अगेन एडिट देन पेस्ट पेस्ट इन प्लेस। देखिए ये फिर से आ गया एंड मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ उसका ओपेसिटी बढ़ा के। ये देखिए ये चीज़ मैंने करा, मुझे मतलब आप लोग को समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें मेरा चैनल को, ठीक है, ताकि आगे वाला वीडियो जब भी आए आप लोग को नोटिफाई मिलते रहें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर जल्द से वापस आऊँगी दूसरा क्लास लेके, ठीक है, चलिए बाय।